ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में सुधरने का मौका ठाकुर ने न दिया हो। ठाकुर जी मौका सबको देते हैं सुधरने का, कोई उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कोई उसे इग्नोर कर देता है, सबको मौका देते भगवान जी। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी मौका, ठाकुर जी पूरा मौका देते हैं और सबको देते हैं। जीव जब भटकता है, कलिकाल के जीव को भटका हुआ ही समझना है, क्यों? इसका मन धर्म में कम अधर्म में अधिक लगता है, अधर्म में बहुत लगता है इसका मन, बिना बुलाए अधर्म में चला जाता है, बुलाने से भी धर्म में नहीं आता है। ये जीव का स्वभाव है। और बुरे कर्म करके बुरी योनियों में जाना, यही कर्म का फल है। अब हम लोग इन पशुओं को भी देखकर कुछ सीखते नहीं है भाई, हम मानव बने वो पशु बने, उसके पीछे भी तो कोई सेंस रहा होगा, कोई वजह तो रही होगी कि वो पशु बन गए और हम मानव हैं। वजह कुछ और नहीं, कर्म ही है, सिर्फ कर्म है। आपका जैसा कर्म होगा आपको वैसी ही योनि प्राप्त होगी। जो लोग दूसरों का मांस खाते हैं उन्हें पशु योनि में जाना ही पड़ता है, निश्चित जाना पड़ता है। एक राजा की बात याद आ रही है, बड़े ध्यान से सुनना। एक राजा के राज्य में अन्न की कमी हुई तो राजा परेशान हुआ, और राजा जब परेशान हुआ तो राजा ने सभा बुलाई, और राजा ने सभा बुलाई तो राजा ने सबसे पूछा, भाई अन्न के बजाय कोई ऐसी खाद्य वस्तु आप बताइए जो सस्ती हो और सहज उपलब्ध हो जाए सबको, सबको सहज उपलब्ध हो जाए, अन्न की बजाय खाद्य कोई ऐसी वस्तु बताइए। उन्होंने कहा, महाराज है एक कोई सावंत व्यक्ति थे, उन्होंने कहा महाराज है। बोले क्या? बोले मांस, सबसे सस्ता है मांस। बोले सबसे सस्ता है मांस? बोले हाँ। बोले ठीक है, फिर प्रजा को कह दो मांस खाना शुरू करे, अन्न बंद करो। ठीक है, उस राजा के जो प्रधानमंत्री थे वो बड़े अपसेट हुए, सलाहकार सचिव सेक्रेटरी अच्छा होना चाहिए, जिससे आप सलाह लेते हो वो अच्छा होना चाहिए, उसकी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। अगर गलत विचारधारा वाले व्यक्ति से आपने आइडिया ले लिया तो पतन ही होने वाला है निश्चित। आइडिया भी सबसे मत लिया करो, विचार भी सबके एक्सेप्ट मत किया करो, जो अच्छे हों, जो श्रेष्ठ हों, जो खुद अच्छाई में लगे हों, उन्हीं लोगों के आइडिया आपके मतलब के होने चाहिए, जो खुद ही वो तुम्हें क्या देंगे। तो प्रधानमंत्री थोड़े धर्म प्रेमी थे, उन्होंने कहा बताओ इनकी, अभी राजा को मैं ऐसे बोलूंगा तो ये बात ठीक नहीं। तो जितने भी सभा के लोग बैठे थे, मंत्री ने देखा कौन कौन बैठे हैं, रात्रि हुई सब सो गए, रात्रि जब होने लगी तो सब तो सो गए, ये मंत्री जी उठे, प्रधानमंत्री उठे और सीधे उन्हीं सावंत के यहाँ गए, महानुभाव के यहाँ। दरवाजा खटखटाया, देखा प्रधानमंत्री आए हैं। अरे बोले महाराज आप कैसे पधारे हैं? अरे बोले राजा की अचानक तबीयत खराब हो गई, राजा की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उनका इलाज 2.5 तोले मांस से होगा, तो वो मांस लेने आया हूं मैं आपके पास में, आपके शरीर में से वो मांस हमको दे दो, 2.5 तोला मांस चाहिए बस। अरे सावंत बोला कमाल कर तो आप मेरा मांस लोगे, एक काम करो मेरा मांस मत लो, मेरे से कुछ रुपए ले लो लेकिन मांस किसी और से लो जाके। बोले कितना रुपया? बोले 5 लाख रखो।
उन्होंने 5 लाख ले लिया। दूसरे के यहाँ गए जो सभा के जितने भी लोग थे, उससे जाके कहा भाई 2.5 तोला सोना वो चाहिए, मांस 2.5 तोला, राजा की तबीयत खराब है और तुम्हारे शरीर का चाहिए। अरे साहब ऐसा मत करो, मेरी बजाय किसी और से ले लो, मेरे से कुछ द्रव्य ले लो। कितना द्रव्य दे सकते हो? बोले आप बताओ कितना चाहिए। बोले आप बताओ कितना दे सकते हो? बोले 2 लाख ले लो। बोले ठीक है दे दो। किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5, ऐसे कर करके सारी रात वो प्रधानमंत्री जी सबके यहां गए, सबसे जाके कहा कि राजा को 2.5 तोले मांस की जरूरत है तुम्हारे शरीर में से। किसी ने 2.5 तोला नहीं दिया। दूसरे दिन सभा लगी, राजा पहुंचे, राजा बैठे, प्रधानमंत्री पहुंचे और 3 करोड़ रुपए वहां रख दिए। ये लो जी, अचानक से बोलिए पकड़िए। राजा ने पूछा ये क्या है? बोलिए कुछ नहीं है, ये 2.5 तोले मांस की कीमत है। एक रात में 2.5 तोले मांस की ये कीमत है। जो लोग कह रहे थे मांस बहुत सस्ता है, किसी ने हमें 2.5 तोला मांस नहीं दिया और एक ही रात में हमने 3 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया। ये आपके लिए खजाने में रखो, जोर से बजा लो, बाद में समझाऊंगा। दूसरों का मांस खा लेने वालों, जरा अपने मांस में से कुछ निकाल के किसी को खिलाओ तो पता चले कि मांस की असली वैल्यू क्या है। बोलिए खिलाओगे? हाथी काट के दे दो, 2 हैं, एक रहेगा ठीक, उसी में से दे दो। नहीं, ये पेट बहुत बड़ा हुआ है, इसमें से थोड़ा छांट के दे दो। और दूसरे की तो जान ले लेते हो आप। आहार शुद्धम तो विचार शुद्धम, आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो उसका फल भी शुद्ध होगा। इसलिए अपना आहार शुद्ध कीजिए आप सब लोग, आहार शुद्ध होना चाहिए।